आज 26-27 दिन से हमारे नौजवान साथी हमारे देश के गौरव खेल जगत में देश का प्रदेश समाज सब लोगों का नाम रोशन करने वाले हमारे खिलाड़ी इतनी पीड़ा में इस वेदना को लेके इतने लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर न्याय उनके साथ हुआ है उसकी गुहार लगाने के बाद अब तक इंतजार कर रहे हैं कि उनको सही मायने में मान सम्मान मिले उनकी बात को सुना जाए और न्याय उनको मिले। जब इस देश का नौजवान किसान और पहलवान अगर खुश नहीं है तो देश खुश नहीं हो सकता। आज मुझे बड़ा दुख है हमारे साथी जो आज आपसे मिलने के लिए आए हैं हमारे कुछ विधायक महोदय हैं राजस्थान प्रदेश से आए हैं अपना समर्थन देने और इस बात को रेखांकित करने के लिए कि अगर सब कुछ ठीक है न्याय मांगने वाले को अगर न्याय नहीं मिलेगा और न्याय समय पर नहीं मिलता तो बहुत बड़ा अन्याय नौजवानों के साथ होता है। हम इतना ही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो जो न्याय की गुहार हमारे वो खिलाड़ी लगा रहे हैं जिनको अखबार टेलीविजन में देखकर हमें हमारा फख्र होता है हमारा माथा ऊंचा होता है वो लोग अगर आज आंसू बहा रहे हैं दुखी हैं परेशान हैं उनकी बात सुनकर कानून के दायरे में रहते हुए अगर न्याय दिलाने में कहीं देरी हो रही है तो हम सबको उस पर चिन्ह मंथन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है किसके दबाव में हो रहा है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे बेटे बेटियां और ये बात किसी एक प्रदेश की नहीं है एक जाति एक बिरादरी एक धर्म की नहीं है। नौजवान जब जीत कर आए थे मेडल हमारे देश के लिए तो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष का नाम रोशन किया था। इसलिए बहुत दुख हमें होता है कि इतने लंबे समय के बाद भी आज इन लोगों को हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा आप सब लोगों से और जो हमारी बात को सुन रहे हैं कि जल्द से जल्द इनके जो वाजिब मांगे हैं उन पर कार्रवाई हो।